परले वाले रोड पे तो पूरा ही आ गया, ऊपर से पूरा का पूरा भाई क्लीन कर रही है, ये पूरा आ गया भाई। तो दोस्तों देखो अभी अभी है ना फ्रेश लैंड स्लाइड, ऊपर से देखो ये आए पत्थर भाई, ये देख देखो 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 देखो, देखो, देखो। अरे बहुत आ रहे हैं भाई, बहुत आ रहे हैं। तो दोस्तों हम फंस गए हैं भाई टनल के अंदर ही, ये देखो पानी कैसे आ रहा है पूरा, मतलब पेड़ भी आए हुए हैं गाइस, देखो पेड़। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस कैसे हो आप लोग, आई होप भाई सब बढ़िया हो गए, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ भाई। तो फाइनली काफ़ी दिनों के बाद हम लोग जा रहे हैं भाई हिमाचल, और हिमाचल के बाद जा रहे हैं लद्दाख। लद्दाख ट्रिप में इस बार प्लान की थी, लेकिन एक महीने पहले, एक महीना हो गया है पूरा, एक महीने से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है जब मनाली में और हिमाचल में फ्लड आई थी, तो काफ़ी रास्ते वास्ते काफ़ी ख़तरनाक हालत हो गई थी। अभी भी थोड़ी बारिश चल रही है, लेकिन आज फाइनली 13 अगस्त 2023 को हम लोग निकल लिए हैं लद्दाख ट्रिप पे, मनाली होते हुए जाएंगे गाइस, और जैसा भी होगा आप लोगों को पूरा दिखाएंगे। तो गाइस दिल्ली की ऐसी कुछ सिचुएशन है भाई, बारिश नहीं हो रही यहाँ पे, पूरी ह्यूमिडिटी वाली गर्मी है काफ़ी टाइम से, और भाई इस बार सारा मानसून पहाड़ों पर चल रहा है। उत्तराखंड में तो रेड अलर्ट है, और भाई हिमाचल में येलो अलर्ट बता रहे हैं, लेकिन मेरी एक दो बंदों से वहाँ पर बात हुई है, तो मनाली में फिलहाल बारिश नहीं हो रही है। तो आज मैं जैसा बता रहा हूँ 13 अगस्त है, तो मनाली में बारिश नहीं है, लेकिन हाँ मंडी के वहाँ पे थोड़ी बारिश है, तो वो जो मंडी से मनाली का रोड है वहीं पे सारा खेल चल रहा है, बार बार वही बंद हो जा रहा है। तो जैसा भी आप लोगों को दिखाएंगे, और मनाली में तो जो रोड ख़त्म है वो सारी अपडेट आप लोगों को देंगे। बाकी भाई अपनी हैरियर से ही जा रहे हैं, तो पहले हाई राइडर से प्लान था, लेकिन अभी जैसा कि आप लोगों को पता है वीकेंड है, तो विजय भाई अपना कहीं दूसरी जगह चले गए राजस्थान में, तो मैं कहा भाई, और मेरा मन था लद्दाख जाने का, तो मैं कहा भाई चलो हैरियर से चलेंगे, लेकिन इस बार करेंगे थोड़ा एडवेंचर, कैंपिंग, खुद खाना बनाएंगे, और इसमें भाई पूरा सेटअप लगाया हुआ है। तो दोस्तों फाइनली भाई अपना आ गया है, महेश भाई हमारे साथ पहली ट्रिप पे जा रहा है, तो भाई अभी निकलते हैं, तो पहले टैंक फुल करवाते हैं गाड़ी का, और थोड़ा बहुत सामान लेना है, अभी दुकानें खुली होंगी तो ठीक है, नहीं तो फिर सुबह मॉर्निंग में हिमाचल से ले लेंगे। बेल्ट लगा ले भाई, बेल्ट लगा ले दोस्त। हाँ बिल्कुल, बेल्ट लगाते हैं। जय माता दी, जय माता दी। फुल कर दे भाई, फुल डीजल भाई, डीजल पेट्रोल मत डालिए कभी, हमारी ट्रिप यही खत्म हो जाए। तो दोस्तों ट्रिप मीटर करते हैं, जीरो ट्रिप ए हो गया भाई जीरो, तो पता चल जाएगा कि भाई कितने किलोमीटर हम चले हैं और कितना डीजल लगा है पूरी लद्दाख ट्रिप पे, और टोटल ट्रिप कितनी हुई है। तो भाई अभी निकल रहे हैं, बाकी 50 लीटर आ गया, मैं इनको बोल रहा था, मैं भाई 50 लीटर का तो टैंक ही बोलती है कंपनी, तो ये बोल रहे हैं कि भाई साहब बेसिक चेक करवा लो, 50 लीटर का कंपनी बताती है, लेकिन 4-5 लीटर एक्स्ट्रा पड़ा ही रहता है। तो भाई निकल रहे हैं, बढ़िया वेदर है अभी दिल्ली में। तो दोस्तों 104 किलोमीटर आ गए भैया, अभी करनाल वाला टोल टैक्स पार किया है, और एक चीज़ दिखाऊंगा आप लोगों को, आप लोग भी कहोगे कि हैरियर के आप सूंघ रही है क्या डीजल को, एक बार देखो आप लोग। ये देखो दोस्तों माइलेज देखो, 24.1 तो भाई मैं कई बार तो यकीन ही नहीं होता कि क्या है, क्योंकि कंपनी बोलती है 17 की, और हर बार ये मुझे सरप्राइज करती है, मजेदार भाई मजा आ गया। तो दोस्तों अम्बाला भाई 35 किलोमीटर रह गया, और हम रुके हैं अभी मन्नत हवेली, ये देखो क्या तिरंगे की उसमें सजा रखी है 15 अगस्त के उपलक्ष्य में, तो यहाँ भाई पियेंगे थोड़ी चाय, और टाइम 1:20। तो दोस्तों चाय पी लो भाई, बातचीत बना रखी है, सीरियस महेश भाई। सावन का महीना चल रहा है अपना। दोस्तों टाइम हो गया 2:05, और भाई चाय पी ली, अब निकलते हैं आगे की तरफ। अम्बाला है अभी 35 किलोमीटर, और भाई 77th अपना इंडिपेंडेंस डे है, तो पूरा माहौल जमा रखा है इन्होंने मन्नत वालों ने। पंजाब, तो दोस्तों वेलकम टू पंजाब। तो भाई बिल्कुल खाली रोड पड़े थे, लेकिन ये देख लो आगे बैरिकेटिंग है पुलिस की, तो भाई तगड़ी चेकिंग होती है पंजाब में, आप लोगों को पता ही ना, और बाहर की गाड़ियों की खासकर, तो भाई पूरा ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, और टाइम 2:39। तो दोस्तों अभी हिमाचल में एंट्री करने वाले हम लोग, और भाई जिस बात का डर था बारिश होगी स्टार्ट, तो बारिश में हम लोग वेट करेंगे सवेरा होने का, तो अभी आगे कई जगह देख के थोड़ा गाड़ी लगाएंगे, और थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा, क्योंकि इस बार बारिश में पहाड़ कुछ ज़्यादा ही रिस्की हो रखे हैं, और गवर्नमेंट की भी एडवाइजरी है कि भाई रात को ट्रैवल ना करें पहाड़ों में, तो इसलिए थोड़ा वेट करेंगे, आगे टोल टैक्स में लगा लेंगे जहाँ भी, लेकिन बारिश तेज़ होगी भाई, अभी तक एक बूंद भी बारिश नहीं थी, लेकिन जैसे ही हिमाचल में एंट्री करने वाले हैं बारिश स्टार्ट होगी भाई। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं भाई, ये कीरतपुर और मनाली वाला पहला टोल है, तो ये स्टार्ट हो गया है, जून में जब मैं आया था
तो स्टार्ट नहीं था, लेकिन अब इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, तो अब आप आओगे तो आपको इस पे पैसे चुकाने पड़ेंगे। लेकिन ये है कि रोड अच्छे हैं तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दिल नहीं दुखता पैसे चुकाने में, बस इतनी सी बात है। तो दोस्तों ऐसा कुछ माहौल है, ये देखो ये पूरे रोड पे भाई लैंड स्लाइडिंग। अभी तो हम लोग हिमाचल में एंट्री की है बस, तो पूरे पे ही हो रखी है, देखो पूरे पे ही लैंड स्लाइड हो रखी है भाई ऊपर से। तो इस बार ये है कि बारिश होते ही पहाड़ आ रहे हैं। तो दोस्तों सबसे बढ़िया खुशी की बात ये है भाई, बारिश रुक गई है, जगह जगह हल्की फुल्की लैंड स्लाइड हो रखी है, और ये टनल खुली हुई मिल गई, ये नंबर वन टनल है और ये खुली मिल गई। तो अब स्वार घाट का जो भी पूरा पहाड़ी रास्ता था उससे बच के और सीधे निकल जाएंगे, तो ये बढ़िया काम हो गया। टाइम 4:48 हो गए भाई। तो ये देखो टनल नंबर वन, अभी टोटल टनल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितनी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हिमाचल। तो भाई 6 बज गए और भाई हल्की हल्की फुहारें जा रही हैं, तो एक घंटा लेट लिया, अभी थोड़ी उजाला हो गया, अब निकलेंगे आगे की तरफ, क्योंकि भाई अंधेरा हो रखा था तो हमें सेफ नहीं लगा बारिश में। इस बार पहाड़ कुछ ज़्यादा ही गिर रहे हैं, आप लोगों ने न्यूज़ सुनी है, तो हम हिम्मत करके निकले हैं, तो थोड़ी सेफ्टी भी ज़रूरी है। तो दोस्तों ऐसे कुछ नज़ारे हैं भाई, ऊपर पूरे बादल लगे हुए हैं, और ये भाई बीस रिवर पूरी आप लोगों को दिख रहा है, पूरा मिट्टी वाला पानी आया हुआ है। बाकी नज़ारे कदर है भाई, इन नज़ारों की वजह से तो हम लोग आए हैं रिस्क लेके। बाकी भाई दोस्तों मनाली है अभी 181 किलोमीटर, तो अभी टनल वन एक नंबर वन टनल क्रॉस करी थी, तो आगे जितनी भी टनल आएगी और जैसा भी रास्ता होगा आप लोगों को दिखाते चलेंगे। तो आज मतलब कि येलो एडवाइजरी है हिमाचल में और उत्तराखंड में रेड है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। तो आप कभी भी आओगे ना तो इससे तो बेटर रास्ते मिलने ही है आपको, क्योंकि अभी तो रात को बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है, तो अगर कहीं पर कुछ लैंड स्लाइड हुई होगी तो अभी आगे दिखी जाएगी। लेकिन लकीली ये हमें रास्ता खुला मिल गया, ये टनल चालू हो गई है अब, तो आप लोग आओगे तो आप लोगों को खुली ही मिलेंगी होपफुली ये। बाकी देखते हैं भाई कैसा है, मंडी 75 किलोमीटर, मनाली 182। तो दोस्तों ये आ गए टनल नंबर सेकंड। तो टनल सारी बाइक पूरी जगमग है, पूरे मस्त माहौल है टनल्स में, तो घुसते हैं तो मज़ा ही आ जाता है। तो ये है कि 72 किलोमीटर पे मंडी है, तो मंडी तो हम लोग अभी पहुंच जाएंगे, ये रास्ता इतना बढ़िया है, एक घंटा भी नहीं लगेगा, एक घंटा सवा घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे मंडी, क्योंकि आराम आराम से चलेंगे। तो दोस्तों ये देखो परले वाले रोड पे तो पूरा ही आ गया, ऊपर से पूरा का पूरा भाई ये सिंगल ही चालू है, तो इसलिए हम लोग रुक गए थे, क्योंकि एटलीस्ट पत्थर आते हुए दिखेंगे तो गाड़ी हम रोक सकते हैं, अंधेरे में तो वो भी नहीं दिखेगा कोई पत्थर आता हुआ। तो इसलिए कोशिश करें कि रात को हिमाचल में ट्रेवल ना करें हाल फिलहाल। तो दोस्तों एक बात और आप लोगों को शेयर करना चाह रहा हूँ मैं, ये जगह जगह ना भाई स्पीड कैमरे लगे हुए हैं, अब स्पीड लिमिट यहाँ पे कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा लास्ट टाइम आया तो मेरा चालान हो गया है बिलासपुर में, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से चलाओ, तो उसमें स्पीड लिमिट दे रखी है 30 की। हालांकि वो दूसरे रास्ते से था, जो पुराने वाला रास्ता था उस पर चालान हुआ है, तो ध्यान रखें आप लोग कि स्पीड के चालान हो रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों टनल नंबर 3 आ गई है भाई, बहुत बढ़िया। तो ये यार रास्ता बनाने के लिए ना इन्होंने पूरी कोशिश की है कि भाई ये बारिश में भी लैंड स्लाइड में भी खुला रहे, लेकिन भाई नेचर के आगे तो आप लोगों को पता है ये किसी की चलती नहीं है। बाकी भाई मौसम भयंकर हो रखा है बारिश का, अभी बारिश फिलहाल रुकी हुई है, 7:45 हो गए हैं, तो फिंगर क्रॉस्ड है कि बारिश रुकी रहे जब तक हम लोग मनाली नहीं पहुंच जाते। बाकी वार्निंग थी, हमें पता ही था दिल्ली से चले, ऐसा नहीं है कि भाई कोई बारिश हो गई है और हम सरप्राइज हो रखे हैं, हम तैयार थे इस चीज़ के लिए, लेकिन हमारा मन था आना था, मन क्या था हमारे को कीड़ा था हमारा, हमसे अपने घर बैठे थे, लेकिन हमें ये था कि नहीं यार चलते हैं, क्या बताना हो तो ठीक है, जैसा भी है माता रानी जो करती है अच्छा करती है, अभी तक तो भाई मजा आ रहा है, नज़ारे ब्यूटीफुल नज़ारे, बोलो जय माता दी, जय माता दी। तो दोस्तों आगे भाई स्लाइड हो गई है ज़्यादा, तो अभी रुकी हुई हैं सारी गाड़ियाँ, वो खड़ी अपनी गाड़ी, तो टूरिस्ट तो खैर कम ही है, एक दिल्ली की गाड़ी एक मेरे को आगे दिखी है। बाकी देखते हैं टाइम 7:45। तो बस ये है कि रास्ता खोल रहे हैं साथ साथ, बस ये है कि रास्ता खुल जाए और बारिश ना हो, नहीं तो फंस जाएंगे। तो भाई फिलहाल रास्ता खुल गया है, साथ साथ क्लीन कर रहे हैं तो अभी निकल रहे हैं। तो दोस्तों आगे काम चल रहा है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इस वाले हाईवे पे ही ये हाल है, तो आगे क्या हाल होगा। बाकी आगे टूरिस्ट हैं एक दो, एक गाड़ी दिल्ली से थी, एक
टेम्पो ट्रेवलर है टूरिस्ट का, तो हम सोच रहे थे कि हम ही आए हैं, कोई और आया नहीं, लेकिन भाई हमारे जैसे और भी बहुत सारे टूरिस्ट आ रखे हैं, तो ये दिल को एक तसल्ली है कि हाँ भाई लोग आ रहे हैं। पूरा का पूरा पहाड़ आ गया है भाई, तो इसको क्लीन कर रही है, ये पूरा आ गया भाई, पूरा का पूरा ऊपर से। तो ऐसा कुछ माहौल है अभी पूरे हिमाचल में, मैं सोच रहा हूँ मंडी से आगे क्या ही होगा। हर साइड में पूरी रोड ही बैठ गई है, पूरी की पूरी बारिश से। इस बार हिमाचल में जितना नुकसान हुआ है ना गाइस, इतना बताते हैं, कभी 95 में इतनी फ्लड आई थी, तो वो फ्लड को एक डेढ़ महीना हो चुका है। और प्लेन में आप लोग देख रहे हो कि जैसे हिमाचल स्टार्ट होने से पहले एक बूंद भी नहीं थी, और यहाँ पे इतनी तगड़ी बारिश हो रखी है। ये देखो ये पूरा का पूरा पहाड़, तो देखिए इतनी लैंडस्लाइड हो रखी है ना, इतनी ज़्यादा। तो दोस्तों अब आ गए टनल नंबर 4, और बारिश देखो कितनी हुई है, ऊपर से बिल्कुल ऐसा झरना बह रहा है झरना। ये देखो कितनी स्पीड से पानी आके, मतलब ये कैसे बनाया हुआ इन्होंने, ये हनुमान जी की जय बजरंगबली के ऊपर से झरना आ रहा है। और ये देखो भाई साहब, और इसमें तो अंधेरा भी है, इसमें तो लाइटिंग भी नहीं है। जैसे जैसे हम और अंदर हिमाचल की तरफ घुस रहे हैं, थोड़ा सा और डेंजर होता जा रहा है। तो भाई टोल टैक्स ये सारे चालू हो गए हैं, जब ये मैं लास्ट टाइम आया था तो इसमें ये टोल टैक्स चालू नहीं थे, लेकिन अभी भाई रोड सारे बंद पड़े हैं, सारे में है, लेकिन ये है कि भाई अब इनको पैसों की जरूरत भी है, क्योंकि इन रोडों को खोलना है ना, इतना आसान नहीं है। तो ठीक है भाई, रोड बंद है, इतने खराब मौसम में इतने पहाड़ गिर रहे हैं, फिर भी ये हम रास्ता दे रहे हैं अच्छा, तो टोल तो बनता है। तो दोस्तों ये देखो रास्ता देखो आप लोग, मतलब कि भाई बहुत भयंकर काम हो रखा है, आप यकीन नहीं कर सकते। वो बाइक वाला तो बेचारा फंस गया। ये उधर भी रोड है, मैं आप लोगों को बताऊं, ये डबल रोड है, तो जिस पे हम चल रहे हैं इस पे भी बस गाड़ी निकलने की जगह है, और परला भी रोड है, तो रोड है या पहाड़ है। ये देखो गाड़ी फंस गई भाई, भाई 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 आराम से। और बारिश भाई अभी कंट, मतलब जैसे जैसे हिमाचल के अंदर जा रहे हैं ना, तो स्थिति है ना, ये मैं देख के हैरान हूँ, बुरा हाल है भाई, बुरा हाल। ये देखो इधर देखो इधर देखो, इसको तो साफ करने में बारिश के बाद, अभी तो बारिश है 10-15 दिन और उसके बाद कम से कम भी भाई 1-2 महीना तो इसको साफ साफ करने में लग जाएगा। तो दोस्तों टनल नंबर 5 भाई, तो यहाँ तक 5 टनल हो चुकी है, और अभी सुंदरनगर है 10-12 किलोमीटर के अराउंड, उसके बाद आएगा मंडी, और मंडी के बाद तो भाई मनाली पहुँचना है। मेरे को तो लग नहीं रहा यहाँ के हालात देख के कि हम मनाली पहुँच पाएंगे। और ये देखो टनल में भी पूरा पानी चल रहा है, ये हालात है। मतलब कि भाई ये कमज़ोर दिल वालों के नहीं है, लिए नहीं है, सही बता रहा हूँ। मतलब कि अगर आपको घूमने का शौक है और दिल कमज़ोर है, तो भी भाई घर पे ही रहो, अभी आने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि बहुत सारे भाई आए हुए हैं, तो खुशी है कि जो घूमने वाले हैं वो आए हुए हैं, लेकिन भाई थोड़ा सा डरना भी चाहिए, नेचर से थोड़ा डर के रहेंगे तो ही फायदे में रहेगा, क्योंकि नेचर की पावर सुप्रीम पावर है वो। तो थोड़ा सा अपना सेफ्टी का भी ध्यान रखो, ध्यान से चलाओ, और भाई थोड़ा सा अपना भाई घूमने का है, क्योंकि 1.5 महीना 2 महीने हो गए थे, तो इसलिए निकल पड़े हैं। जय माता दी। तो दोस्तों देखो अभी अभी है ना फ्रेश लैंड स्लाइड, ऊपर से देखो ये आए पत्थर भाई, ये देख देखो 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 देखो, अरे बहुत आ रहे हैं भाई, बहुत आ रहे हैं, और गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ साइड में। ये देखो भाई माहौल हो रखा खतरनाक बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों 5 नंबर टनल क्रॉस करते ही भाई फिर से जैम में फंसे हुए हैं, और भाई जैम ये देखो, इसलिए जैम है हर जगह क्योंकि पूरे के पूरे पहाड़ रोड पे आए हुए हैं, खतरनाक माहौल है भाई। टाइम 7:45 हो गए, गाड़ी बंद कर रखी है आराम से, खाने पीने का हमारे पास है, बिस्तर लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम पूरी तैयारी से आए हैं, कोई टेंशन की बात। तो दोस्तों हमने तो गाड़ी मोड़ ली भाई वापस, अब पुराने वाले रास्ते से ट्राई करेंगे, क्योंकि ये रास्ता तो बिल्कुल बंद है, इस रास्ते पे निकलने का कोई हिसाब लग नहीं रहा है, तो फंसे रहने का कोई फायदा है नहीं। अगर भाई ऐसा लगेगा कि फंस रहे हैं, तो इससे अच्छा तो वापस ही निकल जाएंगे। ये देख लो कितना तगड़ा ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, भयंकर वाला। तो दोस्तों हम फंस गए हैं भाई टनल के अंदर ही, ये देखो पानी कैसे आ रहा है, पूरा मलबा का मलबा पैक आ रहा है, और इधर भी जाने का रास्ता छोड़ा ही नहीं है, दोनों तरफ से पूरा पैक है भाई। तो गाइस फाइनली हमने तो गाड़ी मोड़ ली अपनी वापस, पुराने वाले रास्ते से ट्राई करेंगे, अगर वो खुला है तो सही है, नहीं तो फिर कुछ और ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे फंसी रहने का कोई तुक नहीं है। आजा भाई आजा, हाँ फटाफटा, दोस्तों छोड़ो ट्रैफिक जैम,
वही नजारों के मजे लो, देखो क्लाउड बिल्कुल जमीन पर उतरे हुए हैं यार। दोस्तों हम हाईवे से चल पड़े हैं एसीसी फैक्ट्री की तरफ, एसीसी सीमेंट फैक्ट्री की तरफ, तो वहां से एक बार ट्राई करेंगे। अगर वहां से रास्ता खुला होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर वेट करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि दो ही रास्ते हैं यहाँ से मंडी से, तो फिर आगे से दो तीन रास्ते हो जाते हैं, लेकिन यहाँ से दो ही रास्ते हैं। तो बाकी नज़ारे यार क्या शानदार है यार, गजब यार। एक बार गाड़ी रोक के नज़ारे दिखाता हूँ गाइस आपको। तो गाइस ये देखो, ये मक्के के खेत हैं और भाई मकई लगी भी हुई है, और भाई ये बादल उतरे हुए हैं, गजब यार गजब, शानदार नज़ारा। तो दोस्तों हर जगह ये हाल है, इस रोड पे भी देखो ये गिरा है, अभी जेसीबी हटा रही है, तो देखते हैं। अभी तक तो भाई ये खुला हुआ है, आगे कैसा सिचुएशन है ये देखो, इस मैप में भी अभी तक तो पूरा खुला दिखा रहा है भाई। बाकी भाई जैसा किस्मत में होगा, जैसी बाबा की मर्जी वही होगा। तो दोस्तों ऐसे कुछ हालात है भाई, पूरा का पूरा बंद है, पूरा का पूरा। इसको हटाने में भी कम से कम भी एक डेढ़ घंटा तो लगेगा ही लगेगा। और ये भाई बीस रिवर और जेसीबी हमारे साथ साथ ही चल रही है, तो इसको टाइम लगने वाला है अभी, बाकी थोड़ी मोटी तो वो साथ साथ हटा रही थी। पेड़ भी आए हुए हैं गाइस, देखो पेड़ ऊपर से, हालांकि यहाँ पे इस पुराने वाले रास्ते पे पेड़ खूब लगे हुए हैं, लो तो भी पूरे पेड़ सब कुछ आया हुआ है। तो गाइस ये जो आया हुआ है ऊपर से, तो ऊपर कहीं बादल फटा है, बादल से ये सारा नीचे आया हुआ है। तो दोस्तों 10:05 हो गए, 7 से हम लोग जाम में फंसे हुए हैं, 3 हो गए, और अभी कितना टाइम और लगेगा, आज मनाली पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे कुछ नहीं पता, लेकिन ये वाला जो था ये उस जेसीबी वाले ने साफ कर दिया है जल्दी से, तो अभी निकल रहे हैं भाई। इसके आगे एक और बिलेगा गिरा हुआ रोड ब्लॉक, तो उसको भी सारे खुलवाएंगे आज, आज कोशिश करेंगे मनाली तक जितने हैं सारे खुलवा के मनाली। कोई आया हो तो ऊपर से, तो ये खुल गया है जेसीबी हमारे आगे आगे है, तो भाई ये एक गेम हो गया है मनाली पहुंचना। जैसे जैसे दिक्कतें आएंगी उनको को आगे उनको पार करके आगे आगे बढ़ते रहेंगे, और ये गेम कंप्लीट होता है नहीं होता है ये हमें शाम तक पता चलेगा। ये देखो यहाँ से तो गाड़ी निकल जाएगी, जस्ट 100 मीटर ही चले हैं आगे, एक और मलबा गिरा हुआ है, तो जेसीबी लगी हुई है, जेसीबी हमारे आगे आगे चल रही है, हम जेसीबी के पीछे पीछे चल। तो भाई ये वाला ऑब्स्ट्रक्शन भी खोल के आगे चल पड़े हैं, जेसीबी हमारे आगे आगे है। तो गाइस मैंने है ना, मेरे को ये तो पता था कि येलो अलर्ट है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतनी खतरनाक लैंडस्लाइडिंग हो जाएगी कि हर 100 मीटर पे लैंडस्लाइडिंग है। देखो ये देखो रोड पे सारे पे आए हुए हैं, जेसीबी साफ करती करती चल रही है भाई। मैं ना कभी सोच भी नहीं सकता था, मतलब हिमाचल का ये हाल सही में यार, इस बार तो भगवान है ना कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। फिर से 100 मीटर भी नहीं चले हम लोग, फिर से बंद है, और भाई दिक्कत की बात ये है कि हल्की हल्की बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है, और ऊपर आप लोग वेदर देख ही सकते हो, तो बारिश आई तो भाई फिर और भी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ये देखो ये यहाँ से पूरा झरना बना हुआ है, ये देखो पेड़ों के बीच में से पूरा वाटर स्ट्रीम आ रही है। तो गाइस फाइनली यहाँ से भी निकल गए भाई, अब देखो क्योंकि उधर से भी गाड़ियाँ आई हैं अभी, तो हो सकता है कि दोनों साइड से ओपन करने में लगाया हो, लेकिन भाई इम्पॉसिबल सा लग रहा है मुझे मनाली पहुँच पाना, ये रास्ते पे ही हाल है। तो आगे तो बहुत ही विशाल विशाल पहाड़ है, आप लोगों ने देखे ही, वो देखो आगे भी गिरा हुआ है, लेकिन वहाँ से गाड़ी निकलने का रास्ता बना दिया गया है, देखते हैं भाई क्या होता है। तो दोस्तों ये सामने हो रखा भाई भयंकर वाला कांड, पर जेसीबी है हमारे बहुत पीछे, अब यहाँ पे लगेगा टाइम। गाड़ी लगा दी भाई साइड में, इतना बुरा हाल नहीं देखा भाई, कल्पना भी नहीं की थी, मतलब कि हम लोग आ गए थे, ये था कि एक आधी जगह गिरेगा तो ध्यान रखेंगे अपना दिन में निकलेंगे, लेकिन ये नहीं सोचा था कि इतना बुरा हाल होगा। तो गाइस ये लद्दाख ट्रिप कुछ ज्यादा ही एडवेंचरर हो गई है भाई, ये पूरा का पूरा पहाड़ गिर गया, और अभी जेसीबी है पीछे, तो जेसीबी आ रही थी साथ साथ, तो हर 100 मीटर पे, मतलब कि मैं मेरी इमेजिन से परे है, मेरे को ये था कि एक आधी जगह गिर जाते हैं पहाड़, हिमाचल है यार देखो यहाँ पे गिरते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा कल्पना से परे है भाई। तो भाई बिल्कुल भी मत लाना अभी बारिश में, भूल कर भी मत आना। तो दोस्तों टाइम हो गया भाई 11:30, खुलने की उम्मीद लग नहीं रही, अभी इनकी जेसीबी भी नहीं आई, और इसके आगे भी बंद बता रहे हैं, तो अभी पीछे कुछ ढाबे या रेस्टोरेंट थे, तो वहाँ पे जाके फ्रेश होते हैं, खाना खाते हैं, अगर खुलेगा तो सही है, नहीं तो फिर यहाँ पे ही स्टे कर लेंगे, यहाँ पे थे पीछे होटल्स वगैरह, नहीं तो गाड़ी में भी है टेंट वगैरह, गाड़ी में लेट लेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं।